नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल भरत जैन पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्मार्ट होम ऑटोमेशन डिवाइस के बारे में। जी हां, वो है स्मार्ट नोड ब्रांड से आने वाला एक ये होम ऑटोमेशन का डिवाइस, जिसके अंदर आप 4:1 मतलब 4 पोर्ट इसके अंदर दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली समझेंगे स्मार्ट होम ऑटोमेशन क्या है, ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसकी अनबॉक्सिंग और इसके साथ साथ में इस प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन, और ये प्रोडक्ट कैसे गूगल एलेक्सा के साथ में आपके मोबाइल फोन के साथ में कॉन्फ़िगर हो जाता है और इजीली क्विक इंस्टॉलेशन के साथ में आप इस प्रोडक्ट को कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आपके घर में या फिर आपके ऑफिस में। तो जो मेन इस डिवाइस की जो खासियत है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये क्विकली इंस्टॉल हो जाता है, करीबन आधे घंटे के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो आपका एग्जिस्टिंग वायरिंग सेटअप है उसी के अंदर आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा वायरिंग घर के अंदर नहीं करनी पड़ेगी। यूजर फ्रेंडली है, आप उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं या फिर किसी को करना सिखा सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको कोई भी अलग सेंट्रल हब जो होते हैं ना, अलग से हब के उसको उसके साथ में कनेक्ट करो, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको एक ले सकते हैं या फिर आप मल्टीपल रूम के हिसाब से इसको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, सभी आपके वाईफाई के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ आज हम गिव अवे करने वाले हैं 4 स्मार्ट होम नोड के जो डिवाइसेस हैं मेरे पास में, 1, 2, 3 और ये 4, तो आप में से 4 लकी विनर्स को मिलने वाले हैं ये डिवाइसेस। सो अंत तक मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मैं इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको ये जो डिवाइस है मेरी तरफ से गिफ्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि होम ऑटोमेशन डिवाइसेस क्या है, तो चलिए हम क्विकली हम चलते हैं। मोस्ट ऑफली आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि होम ऑटोमेशन क्या होता है। आप आपके घर में या फिर ऑफिस में जो लाइटिंग की जो स्विच होती है वो लगी होती है, ओके, तो उसको अगर आप मोबाइल के थ्रू ऑटोमाइज कर लो, कैसा लगे कि आप आपके मोबाइल के ऊपर क्लिक करो और लाइट ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए और उसको कंट्रोल कर पाए। आपके पास में जो एलेक्सा है या फिर गूगल होम है उसके थ्रू भी आप बोलो कि जस्ट टर्न लाइट ऑन और ऑफ, तो वो आपके वॉइस कमांड के ऊपर लाइट, घर की जो लाइट है या फिर ऑफिस की जो लाइट है उसको कंट्रोल करें। और इसके साथ में एक और फीचर को मैं ऐड करूं, कैसा लगे कि आपको वायरिंग भी ना करनी पड़े। तो जी हाँ, यही बात आज के इस वीडियो के अंदर होने वाली है कि बिना लाइटिंग को छेड़खानी किए हुए, मतलब कि आपकी जो एग्जिस्टिंग लाइटिंग सेटअप है उसको आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं जो आपको एक डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ वो डिवाइस आपको मंगवाना है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आपको एग्जिस्टिंग सेटअप के अंदर सेट करना है। क्विक इंस्टॉलेशन है, अगर आप थोड़ा इलेक्ट्रिकल नॉलेज रखते हैं, थोड़ा टेकी नॉलेज रखते हैं, तो आप खुद भी इस डिवाइस को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली हम लोग अनबॉक्स करते हैं और इंस्टॉलेशन करते हैं इस डिवाइस को। सो ये है हमारे पास में स्मार्ट नोड का डिवाइस, डिस्कवर द जॉय ऑफ स्मार्ट लिविंग, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। और करीबन ये 3 साल की वारंटी के साथ में आता है, लाइटिंग ऑटोमेशन 4.1। और इसके ऊपर इस साइड में देखते हैं तो स्कैन QR कोड फॉर डाउनलोड द मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां से QR स्कैन कोड से स्कैन कर सकते हैं या फिर आप स्मार्ट नोड सर्च कर सकते हैं आपके प्ले स्टोर में और एप्लीकेशन स्टोर में। और यहां पर है इसका ये ऑटोमेशन 4. MRP है इसकी 10,620 रुपये। इस साइड बैक साइड में हम देखते हैं तो स्मार्ट नोड वर्क विद अमेजोन एलेक्सा, तो ये अमेजोन एलेक्सा के साथ में काम करता है, गूगल असिस्टेंट यानी गूगल होम के साथ में काम करता है, मेल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर है इसके ब्रांड के कुछ एड्रेस, सो अगर आप ये डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दी हुई है। बस इतना है इस बाहर की तरफ से बॉक्स के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, अनबॉक्स करते हैं। सो ये निकल के आता है हमारे पास में एक स्विच यहाँ पर व्हाइट कलर का। सो ये है हमारा मेन डिवाइस, इसको यहाँ पर रखता हूँ। और ये है हमारा बॉक्स, और बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक ये कनेक्टर। करीबन इसमें कितनी पिन है, वायर हैं छोटे छोटे पतले पतले, 4 और 4 8 8 केबल वाली यहाँ पर हमारे पास में कनेक्टर है। साथ में है यहाँ मैनुअल दी हुई है, छोटी सी एक मैनुअल है, बहुत छोटी है तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। सो यही निकल के आता है इस बॉक्स में, और कुछ है नहीं। एक बार हम इस डिवाइस को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। डिवाइस के अंदर यहाँ पर कुछ दिए हुए इंडिकेशंस, यहाँ पर आपको ये कनेक्टर जो साथ में आया है वो लगाना रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये ग्रीन कलर का, और इसके ऊपर यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ
नंबर मतलब अल्फाबेट NDL1 तो क्या है, तो वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आई थिंक इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हो गई यहाँ पर। ओके सो यहाँ पर है N फॉर न्यूट्रल, डीमर, लोड, फेज। ओके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। हैवी लोड तो ये करीबन 3, 3, 6 और 3, 9 नौ कनेक्टर हैं इसके अंदर, मतलब नौ इनपुट आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और बस इतना है। साइड में हम देखते हैं यहाँ पर, तो यही हमें इसके बारे में F, D, L और H, L क्या है और ब्लैक क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। और यहाँ पे वारंटी स्टिकर, सीरियल नंबर यहाँ पर डिवाइस का हमें मिल जाता है, तो ये आपको एक सेव करके रखना होगा, क्योंकि इसको लगाने के बाद में जब भी आप इसको मोबाइल एप्लीकेशन में आप ऐड करेंगे तब आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और यहाँ पर मिल जाता है आपको QR कोड फॉर द डिटेल मैनुअल। ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पर ब्रांड के बारे में, कि अगर आपको ये सब अगर संभाल नहीं सकते और आपको और डिटेल में जानना है तो सीधा यहाँ से QR कर लो, और QR के अंदर आप पूरे की पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हो, तो इस तरह से ये हो जाएगी डाउनलोड। सो ये था अनबॉक्सिंग हमारा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे मेन सेटअप की तरफ और इसको इंस्टॉल करते हैं। और आज के इस इंस्टॉलेशन के अंदर मैं आप लोगों को पूरी की पूरी सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ, कैसे इंस्टॉल होगा, अमेजोन के साथ में कैसे वर्क करेगा और हर एक चीज़। और साथ में आप लोगों के लिए ये है हमारे आपके लिए बेहतरीन से गिफ्ट 1, 2 एंड 3। और ये जो मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ वो एक खुद यूनिट, यानी कि 4 यूनिट है हमारे पास में आप लोगों के लिए, आप लोगों को देने के लिए। तो अभी जाइए हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और इस ब्रांड के अंदर आपको इस प्रोडक्ट के अंदर क्या अच्छा लगने वाला है ये भी आपको कमेंट के थ्रू बताना है कि इस प्रोडक्ट में क्या आपको अच्छा लगा। तो चलिए फटाफट से इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो काम किया है वो ये है कि हमारे ये जो केबल है, मतलब ये वाला जो केबल है वो कौन सी लाइट का है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ टैपिंग कर लेना है, आइडेंटिफाइड कर लेना है कि कौन सा केबल किसका है, फेस कौन सा है आपका। तो मैंने यहाँ पर, मेरे यहाँ पर लाइट 1 है स्टूडियो के अंदर, फिर ये मेरी लाइट 2 है, इसके बाद में मैंने यहाँ पे जो प्लग्स बनाए हुए हैं उसके प्लग्स के केबल हैं, तो यहाँ पर मैंने इन सबको वो ले लिया है। और साथ में मेरे यहाँ पर जो एसी लगा हुआ है, तो ये एयर कंडीशन का जो प्लग है वो है, और यहाँ पर उसके अंदर हमने इसका भी नाम रख लिया है। तो पहले आप जब भी कोई बोर्ड ओपन करें तो आपको ये चीज़ें करनी है। सो अभी हमारा कुछ बॉक्स इस तरह से लग चुका है फिट, और यहाँ से हमने बीच में से अंदर से निकाल लिए हैं ये सब केबल। और अब शुरू करते हैं हमारे स्मार्ट नोड जो ऑटोमेशन का जो स्विच है उसकी फिटिंग। अभी हमारा यहाँ पर फिटिंग करने के लिए जो बॉक्स है वो रेडी हो गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमारा जो ये मेन फेज आ रहा था, इस मेन फेज से हमने, ये ब्लैक कलर का है, सो इस मेन फेज से हमने निकाल लिए हैं 3 केबल। तो हमारे टोटल 3 केबल लगने वाले हैं उस स्विच के अंदर। तो ये एक सिंगल हमारा फेज आता है और फेज के साथ में हमने इसको लूप कर दिया है, और ये लूप करने के बाद में 3 फेज के केबल निकल गए। तो ये आपको एक करना होगा। अगर आपके पास में हैवी लोड का कोई फेज एक्स्ट्रा आ रहा है बोर्ड पे तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही बनाने, अगर हैवी लोड का नहीं आ रहा है तो आपको 3 बनाने। इसके बाद में हमारे पास में है यहाँ पर एक न्यूट्रल जो हमें रिक्वायर होगा। इसके बाद में हमें यहाँ पर लगने वाले हैं जो हमारे जो स्विचेज हैं, जैसे कि लाइट का स्विच है, तो यहाँ पर ये लाइट है, एसी है, तो इस तरह से हमने हर किसी के ऊपर स्टिकर लगा दिए हैं। अब हमारे पास में जो स्विच है वो कुछ इस तरह से, तो आप यहाँ पर गौर से देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर न्यूट्रल, तो न्यूट्रल के अंदर हम न्यूट्रल का केबल लगाएंगे। फिर डी लिखा है, तो डी के अंदर एग्जैक्टली लगाना होता है, आप कोई भी लाइट का स्विच लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में डी का फैसिलिटी ये भी है कि अगर आपके पास में ऐसी कोई लाइट है जिसको आप डीमर की तरह इसे यूज़ करना चाहते हैं, थोड़ा उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वैसी जैसी कोई लाइट है तो उसको यहाँ पर लगाना चाहिए, अगर नहीं है तो आप रेगुलर लाइट इसके अंदर लगा सकते हैं। L1 के अंदर भी आप दूसरी कोई भी लाइट का इसमें दे सकते हैं। जो PH लिखा हुआ है उसके अंदर फेज देना है आपको, जो हमने 3 बना के रखे हैं उसमें से 1 देंगे। NC के अंदर कुछ भी नहीं लगाएंगे। PH जो दूसरा लिखा हुआ है वहाँ पर भी हम दूसरा जो फेज है वो देंगे। F लिखा हुआ है वहाँ पर आता है फैन। अब अगर आपके इस बोर्ड में अगर फैन हो तो ही आपको फैन लगाना है, अगर फैन नहीं है तो यहाँ पर आप फैन नहीं लगा सकते, मतलब आप यहाँ पर इवन रेगुलर लाइट का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं करना है, वरना अप्लायंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर फैन है तो उसमें फैन ही लगाइए आप। इसके बाद में यहाँ पर HP का मतलब हो गया आपका हैवी लोड, तो जो हैवी फेज है तो फेज यहाँ पर जाएगा। तो अगर आपके पास में अगर हैवी फेज कोई आया हुआ है बोर्ड में तो वो लगेगा, अगर नहीं है तो हमने हमारे पास में कॉमन वाला फेज है तो हम वो इसके अंदर लगाने वाले हैं, इसीलिए हमने 3 फेज लूप किए हुए हैं। और लास्ट में लिखा है HL मतलब हैवी लोड, तो यहाँ पर लगेगा मेरा AC का जो पॉइंट है, इसके अंदर मेरा AC का पॉइंट है तो मैं वो लगाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से इसको प्लग इन कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन। तो ये हम न्यूट्रल में न्यूट्रल, फिर हमारी जो लाइट वन है उसको हम दे देते हैं यहाँ पर डी में। फिर एल वन में हमारी दूसरी लाइट दे देते हैं। तो हमारे यहाँ पर दो पॉइंट हो गए रेडी। इसके बाद में हम दे रहे हैं हमारा एसी का पॉइंट यहाँ पर लास्ट वाले एच एल लोड में। अब बारी है हमें फेज देने की। तो हमें इन तीनों में, हमने जो तीन लूप बनाए हुए हैं तीनों में हमें एक एक करके फेज देना है। अब वो हम दे देते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पर ये जो कनेक्शन है वो रेडी हो गए हैं। हमने न्यूट्रल लगा लिया है, हमने डी लगा लिया है, लोड दे दिए हैं। आप फेज देख रहे हैं, फेज हमने तीनों जो ब्लैक कलर हैं हमारे वो फेज के हैं, और एसी का जो हैवी लोड है वो हमने यहाँ पर दे दिया है। अब हमारी बारी है यहाँ पर ये कनेक्शन करने की, ठीक है, जिसके अंदर ये छोटा सा कनेक्टर लगा हुआ है। इसके अंदर काफ़ी सारे केबल हैं, तो ये जो केबल हैं वो कनेक्ट होंगे हमारे जो मैनुअल जो हमारा प्लग पॉइंट है, जो स्विच है उसके साथ में। तो उसके साथ में कैसे कनेक्ट होने वाला है, चलिए उसको कनेक्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पर हमारा जो कनेक्टर आया हुआ था, ये वाला जो कनेक्टर था, उससे हमने यहाँ पर हमारा जो स्विच है उसके साथ में कनेक्ट कर दिया। मतलब ये जो वाइट वाला है वो हमारा डी का केबल है। इसके बाद में ये जो ग्रीन वाला है वो एल वन मतलब हमारी लाइट टू का केबल है। और ये बाकी हमने अभी फ़िलहाल इसको ब्लैंक रखे हुए हैं क्योंकि ये प्लग के पॉइंट है। और लास्ट में हमने ये जो ब्राउन वाला केबल है वो हमने जोड़ दिया एसी के साथ में। और इसके साथ में हमारी ये जो मैनुअल वाली जो स्विच है ना वो भी हमारी ओके हो गई है। जैसे कि हम इसको अभी ये देखिए लाइट बंद हो गई, ये लाइट चालू हो गई, ये लाइट बंद हुई, ये लाइट चालू हुई, और एसी के अंदर भी कुछ इसी तरह से। सो जब आपके इस तरह से कनेक्शन यहाँ पर लग जाते हैं, इसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो आपके मैनुअल स्विच है वो तो सब स्टार्ट हो गए हैं। अब इसके बाद में आपको लेना है एक ब्लू कलर का केबल, ठीक है। अब इस ब्लू कलर को आपको कोई भी एक स्विच में लगा देना है या फिर आप अलग से भी एक स्विच लगा सकते हैं। मतलब आपको ये जो ये आपका ये ब्लैक केबल है, ये वाला ब्लैक केबल, ठीक है, इस ब्लैक केबल को इस ब्लू केबल के साथ में शॉर्ट करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे पास में तो यहाँ पर एक ब्लैंक स्विच है ऑलरेडी, क्योंकि हमको जाना है प्रोग्रामिंग मोड में। तो जब प्रोग्रामिंग मोड में जाने के लिए आपको ये ब्लू केबल और एक ब्लैक केबल, ये आपको करना पड़ेगा शॉर्ट। या आप अलग स्विच में करिए, या फिर आपके पास में अगर कोई ब्लैंक स्विच पड़ी हुई है मतलब आपके बोर्ड के अंदर सर्किट के अंदर, तो आप उसके अंदर भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन मेरे यहाँ पर जैसे कि एक स्विच ऑलरेडी मेरे पास में खाली है यहाँ पर, तो मैं उसके साथ में लगाऊंगा और इन दोनों को शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट करने से क्या होगा कि जो स्विच है वो प्रोग्रामिंग मोड में आ जाएगा और फिर हम आगे का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है मोबाइल के थ्रू जो ऑपरेट करना है वो हम कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले ये चीज़ कर लेते हैं। के साथ साथ में आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपका ये जो केबल है, जो फेज़ वाला जिस केबल को बोलते हैं, जहाँ पर आपका ये कॉमन केबल जो हमने कनेक्ट किया हुआ है ब्लैक कलर का जो कॉमन केबल है वो हर एक के साथ में रहने वाला है। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि बीच में आप ये इस तरह से देख पा रहे होंगे कि मैंने जो फेज़ की जो वायरिंग होती है ना वो इसी तरह से होती है, लेकिन इस फेज़ की वायरिंग में 230 वोल्ट कहीं पर भी नहीं आएगा। जो आपका डुपोन जो केबल आ रहा है, डुपोन मतलब ये जो पतले पतले तार जिस कनेक्टर में से निकल रहे हैं, तो उस कनेक्टर में से सिर्फ 5 वोल्ट ही आता है। तो 230 वोल्ट यहाँ पर ना आए, इस चीज़ का आपको खास करके स्पेशली ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप अगर टेस्टर लगाएंगे तो टेस्टर से आपको इस तरह से लाइट तो मिलेगी, लेकिन ये जो लाइट होगी ना वो 5 वोल्ट की होगी। 230 वोल्ट का इंडिकेशन यहाँ पर इस बोर्ड में हमें नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अभी हमने हमारा यहाँ पर ये ब्लू कलर का केबल इस ब्लैक कलर के साथ में, यानी कि एक तरफ ब्लैक हो गया एक तरफ ब्लू हो गया, हमने लगा दिया। और हम जब इसको स्विच के थ्रू शॉर्ट करेंगे तब हमारा ये जो स्विच है वो प्रोग्रामिंग मोड में चला जाएगा। लेकिन जब प्रोग्रामिंग मोड में जाए तब आपको क्या करना है, एक तो इसका यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर आपको लिख लेना है, या फिर आपका इसका फोटो खींच के रख लीजिए,
यहाँ पर अगर साइड में हम देखते हैं तो ये जो स्कैनिंग वाला जो है वो भी आपको एक बार फोटो खींच के रख लेना है, क्योंकि एक बार जब आप इस चीज़ को फिट कर देंगे ना, इसके बाद में बार बार आपको बोर्ड नहीं खोलना पड़े। सो इतना सेटअप करने के बाद में जो आपकी जो फैन वाली स्विच है, मतलब जहाँ पर आपने ये ब्लू कलर का केबल जोड़ा है, तो इस डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ये वाली जो स्विच है उसको कंटिन्यूसली 15 से 20 बार आप दबा के रखिए, तो आपके इस डिवाइस में 3 बार बीप की साउंड आएगी, मतलब कि ये कॉन्फ़िगरेशन मोड के लिए रेडी है। तो कुछ इस तरह से ओके। तो जब ये 3 बार बीप की वॉइस आ जाती है तो इसके बाद में आपको क्या करना है, अब हम इसको यहाँ पर कंप्लीट पैक कर देंगे। तो हमारा अभी यहाँ पर ये जो बॉक्स है वो इस तरह से कुछ अच्छे से फिट हो चुका है, और अब ये देखिए यहाँ पर ये लाइट ऑन ऑफ, मतलब ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर अभी फ़िलहाल वर्किंग कर रही है। और अब हम चलते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर और वहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वाईफाई से कनेक्ट होगा और स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जाना है आपके मोबाइल के अंदर, और मोबाइल के अंदर आपको जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आपको डालना है स्मार्ट नोड। अब ये जो स्मार्ट नोड की जो एप्लीकेशन है इसको आपको कर लेना है यहाँ से इंस्टॉल, तो हम इसको फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं। अब आपको आप यहाँ पर वाईफाई की सेटिंग में, और वाईफाई में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ये SN2021 करके एक जो सीरियल नंबर है, आपको उसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। कॉन्फ़िगर वाईफाई में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा आपका जो वाईफाई का जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगे, कौन कौन से वाईफाई हैं आपने उसको किया, और यहाँ पर आपके वाईफाई का जो पासवर्ड है वो आपको इंसर्ट कर देना है। ओके और इसके बाद में ये इतना करने के बाद में आप यहाँ पर आ जाएंगे आपके डायरेक्ट मेन डेस्क पे, होम पे, और होम पे आप स्टूडियो में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो आपने जो स्विचेस ऐड की थी ये आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पर आप सीधा क्लिक करेंगे, ये देखिए लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ, और ये फोर्थ है वो जो मेरे वाईफाई का सेटअप और उसका सब है, तो यहाँ पर मैं इसको ऑन ऑफ नहीं करूँगा वरना मेरा पूरा वाईफाई का जो सेटअप है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये ऐड कर लिया। अब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं एलेक्सा के थ्रू, तो वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एलेक्सा को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको जाना है मोर में, तो इस तरह से कर सकते हो, और साथ साथ में आपको इसके बारे में पूरी की पूरी जो डिटेल है वो आपको स्मार्ट नोड की जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर कम्प्लीटली सभी वीडियोस, हर एक चीज़ का वीडियो वहाँ पर बनाया गया है, तो वहाँ से जाके आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है नॉर्मल सा नॉलेज रखने वाला। सो अभी हमने यहाँ पर अपना जो सेटअप है वो कर लिया है, और सेटअप के अंदर ये है स्मार्ट नोड की एप्लीकेशन जिसके अंदर मैंने स्टूडियो के अंदर स्विचेस बना ली हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया था, और उसके साथ साथ में यहाँ पर है मेरे पास में गूगल होम, और यहाँ पर है हमारे पास में एलेक्सा। ओके तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ इसके अंदर कि किस तरह से आप आपकी एप्लीकेशन के थ्रू, आप वॉइस असिस्टेंट के थ्रू आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइट को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी एप्लीकेशन के थ्रू। सो एप्लीकेशन पे स्टूडियो लाइट जो है हमारी ये बंद हुई, आपको शायद ये नज़र आया होगा, और मैंने ये ट्यूब भी बंद की, ये दोनों लाइट्स हमारी बंद हो गई, दोनों को मैं ऑन करता हूँ 1 और 2। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कहीं से भी, इवन वाईफाई या फिर आप कहीं पर भी इंटरनेट पे कहीं पर भी हो तो आप आपके घर की लाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हो। अब हम चलते हैं एलेक्सा की तरफ, और एलेक्सा के अंदर मैं आपको करके बताना चाहूँगा, एलेक्सा टर्न ऑफ स्टूडियो लाइट 1।
ठीक है, जैसे हमारी वन लाइट की ऑफ हो गई, अब मैं दूसरी ऑफ करता हूँ। एलेक्सा टर्न ऑफ स्टूडियो लाइट 2। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि कंप्लीटली लाइट ऑफ हो गई। अब मैं दोनों लाइट को ऑन कर देता हूँ। एलेक्सा टर्न ऑन स्टूडियो लाइट 1। ठीक है, एलेक्सा टर्न ऑन स्टूडियो लाइट 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एलेक्सा ने काफी अच्छे से वर्क कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे गूगल असिस्टेंट की तरफ। ओके गूगल, टर्न ऑफ व्हाइट लाइट। ऑलराइट, टर्निंग द व्हाइट लाइट ऑफ। ओके गूगल, टर्न ऑन व्हाइट लाइट। ओके, टर्निंग द व्हाइट लाइट ऑन। सो इस तरह से हमारी लाइट भी ऑन हो गई है। तो इस तरह से ये हमारा जो स्मार्ट नोट का ये जो डिवाइस है 4:1 वाला, हमने हमारे स्टूडियो के अंदर इसको कॉन्फ़िगर कर लिया है। इसी तरह आप भी अपनी जो भी लाइटिंग है या फिर आपके क्लाइंट की लाइटिंग है, तो लाइटिंग ऑटोमेशन अच्छे से कर सकते हैं। सो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको लगता है ना कि कितना इजी है इसको इंस्टॉल करना। सो बहुत ही इजी है। अगर आप बनना चाहते हैं चैनल पार्टनर ऑफ दिस ब्रांड, यानी कि स्मार्ट नोड की आप चैनल पार्टनर बनना चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं और लोगों के यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं और बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप उनके चैनल पार्टनर बन सकते हैं, उस कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिनको ये गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना है, उनको ये करना होगा यहाँ पर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एक प्यारा सा एक अच्छा सा कमेंट मुझे इस वीडियो के अंदर देना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर जाकर, मतलब वहां पर जाकर मुझे फॉलो करना होगा। तो मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है Bharat_KJain, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। इस गिव अवे के जो रिजल्ट होगा उसको मैं अनाउंस करूंगा 31 जनवरी 2021, मतलब आगे आने वाले रविवार के दिन रात को 9 बजे। तो वहां पर मिलते हैं और कौन जीतने वाला है ये स्मार्ट नोट के डिवाइस, मैं बताऊंगा आपको इंस्टाग्राम लाइव पर। इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स और नई बातों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।